गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे ईवीएस का, तो हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए पेज नंबर 11। वी हैव टू लेग्स, हमारे कितने लेग्स हैं? टू। चैप्टर कौन सा था हमारा? माय बॉडी, बॉडी के बारे में था। वी कैन डू मैनी थिंग्स विद आर लेग्स एंड फीट, हम अपने पैरों से बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि इसमें करना है आपको टिक द करेक्ट आंसर, आपको टिक करना है करेक्ट आंसर पे, ठीक है। वी वॉक या टॉक विद आर लेग्स, हम अपने पैरों से जो भी काम करते हैं उन्हें हमें इन पे सही टिक करना है ओनली लेग्स के लिए, ठीक है। तो हम लेग्स से वॉक करते हैं या टॉक करते हैं। वॉक मीन्स चलना, टॉक मतलब बातें करना। तो हम तो पैर से चलते हैं, तो क्या करेंगे हम? वॉक पर टिक। वी जंप या हम विद आर लेग्स, लेग्स से क्या करते हैं हम? जंप, कूदते हैं, तो क्या आएगा? जंप पे टिक। वी किक या लिक विद आर फूट, क्या करते हैं हम अपने पंजों से? फूट से, लेग से किक करते हैं, बॉल को मारते हैं, तो क्या आएगा? किक। वी डांस या चांस विद आर लेग्स एंड फीट, हम अपने लेग्स से, फीट से, पैरों से डांस करते हैं या चांस करते हैं? डांस करते हैं, तो डांस आएगा। वी रन या फन विद आर लेग्स, क्या आएगा बच्चों? रन, हम क्या करते हैं? भागते हैं। वी स्किप या डिप विद आर लेग्स एंड फिट, हम रस्सी स्किपिंग किससे करते हैं? लेग्स से, तो क्या आएगा? डिप थोड़ी करते हैं हम, स्किप करते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से आपको टिक करना है सही आंसर पे, ठीक है। वॉक, जंप, किक, डांस, रन और स्किप, ये सभी चीज़ें हम लेग्स से करते हैं। अब देखिए आर्म्स एंड हैंड्स, यानी कि हमारे हाथ और भुजाएं। वी हैव टू आर्म्स, हमारे कितने आर्म्स होते हैं? टू, ठीक है। ईच आर्म हैज अ हैंड, हमारी दो भुजाएं होती हैं और दोनों भुजाओं में दो हाथ होते हैं। ईच हैंड हैज फाइव फिंगर्स एंड अ थंब, और दोनों हाथों में फाइव फाइव फिंगर्स और वन 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 थंब होता है। वी राइट, हम लिखते हैं किन से? हाथों से। ईट, खाना खाते हैं। एंड होल्ड थिंग्स, यानी कि चीज़ों को पकड़ते हैं विद आर हैंड्स, अपने हाथों से। वी हैव वन माउथ, हमारा एक मुंह है, माउथ। आर माउथ हैज़ टू रोज ऑफ टीथ, हमारे माउथ की दो लाइंस में टीथ यानी कि दांत होते हैं हमारे माउथ में, मुंह में। एंड अ टंग, और एक क्या होती है? टंग मीन्स जीभ। आर टीथ हेल्प इन च्यूइंग फूड, हमारे जो टीथ हैं वो खाने को चबाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब देखिए सेंस ऑर्गेन्स, सेंस ऑर्गेन्स क्या होते हैं? आर आइज, हमारी आइज, आँखें, ईयर्स, कान, नोस, नाक, टंग, जीभ एंड स्किन, हमारी त्वचा। हेल्प अस टू नो अबाउट थिंग्स, ये सारी चीज़ें, ये फाइव, आइज, ईयर्स, नोस, टंग और स्किन, हमारी हेल्प करती हैं आसपास की चीज़ों को देखने, सुनने, टच करने में हेल्प करती हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे? सेंस ऑर्गेन्स। दीज फाइव पार्ट्स ऑफ आर बॉडी आर कॉल्ड सेंस ऑर्गेन्स। तो बच्चों आपको याद रखना है कि आइज, ईयर्स, नोस और टंग और स्किन क्या होते हैं? सेंस ऑर्गेन्स, ठीक है बच्चों।